भाई जान, रमज़ान क्यों मनाया जाता है, मतलब इसमें क्या खास होता है? रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल की गई थी। कुरान हमारे रिलीजन में, इस्लाम में एक होली बुक है जो ऊपर से हमारे जो गॉड है अल्लाह ताला, उन्होंने नाजिल की गई थी। तो इसलिए ये महीने में जो है कुरान नाजिल की गई थी, और इस महीने में हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन लोगों ने कुरान के नाजिल होने के लिए रोज़े रखे थे, यानी आपके इसमें बोल सकते हैं उपवास। तो हमारे इसमें भी उपवास रखे जाते हैं जिसे रोज़ा कहते हैं। तो इस रोज़े का जो स्वाब मिलता है वो 10 times मोर होता है हर एक इसके लिए, और हर एक इसके लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक सलाह होती है, यहाँ पे नमाज होती है, तो वो नमाज का अभी रमज़ान में 100 गुना ज़्यादा स्वाब हमको मिलता है नॉर्मल नमाज से। और इसमें कोई अलग नमाज़ें पढ़नी पड़ती है, कुछ फॉलो करना पड़ता है? हाँ, बहुत कुछ अलग, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है। सब 5 times की नमाज़ तो वैसी की वैसी होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि तरावे होती है। तरावे में क्या होता है, स्पेसिफिक एक कुरान का पारा होता है, लाइक जैसे वर्स होता है, जैसे बाइबल में होता है एक वर्स होता है, दो वर्स होता है, अलग अलग टाइप के। तो कुरान में भी वर्स टू वर्स होता है, 30 verses होता है टोटल। अच्छा। तो वो 30 verses 30 days में आपको कंप्लीट करने होते हैं। ओके, तो हर 30 days में हर वर्स एक दिन में पढ़ाया जाता है। तो उस एक दिन में हो सकता है कोई जगह पे 10 rakat पढ़ाए, कोई जगह 20 rakat पढ़ाए, कोई जगह 40 rakat भी पढ़ाए, वो लोग डिपेंड करते हैं कितना रकात में वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली वो रकात जो है लास्ट नमाज जो होती है ईशा की नमाज दिन की, वो कब शुरू होती है, 8:30-9 के बाद शुरू होती है, और उसके बाद से तरावे शुरू होती है। तरावे शुरू होती है और उसके बाद वो स्पेसिफिकली एक पारा ख़त्म होती है या दो पारा ख़त्म होती है, उसके हिसाब से लोग ख़त्म कर लेते हैं। ओके, और ये अफ्तार और सहरी का क्या है मतलब? अफ्तार और सहरी का ये मतलब है, अब सपोज आप उपवास रखते हैं तो आप मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम पे वो खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप जो है कुछ नहीं खाते। okay. और फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद लाइक फ्यू आवर्स आफ्टर फ्यू आवर्स यू जस्ट स्टार्ट टू ईट समथिंग, तो यू जस्ट स्टार्ट टू ईट समथिंग, दैट इज यू ब्रेक योर उपवास। सेम केस इज हियर, व्हेन वी स्टार्ट फॉर द मॉर्निंग अराउंड 4:30 to 3:30, टाइम कीप्स चेंजिंग ईयर टू ईयर, लाइक वन आवर हर साल बदलता रहता है, फ्रॉम ईयर टू ईयर इट कीप्स चेंजिंग। सो दैट स्पेसिफिक टाइम वी स्टार्ट द फास्ट, because that was the time when our prophets used to start. Okay. So for specific time, from that time we used to start our fast till around next PM 6:30. Okay. 6:30. Upcoming 6:30. Okay. Okay. 6:37. Okay. We keep it and then after that we break the fast with some amount. और ऐसा कुछ खास खाना पड़ता है या मतलब कुछ भी या? No. You can eat anything. Anything. But dates are must. Dates. Okay. Dates are must to open the fast. और मेल फीमेल मतलब औरतों के लिए कुछ अलग उसूल हैं ऐसा कुछ है या मर्दों के लिए कुछ अलग उसूल हैं? इट्स ऑल सेम फॉर एवरीवन। अच्छा। इस्लाम इज सेम फॉर एवरीवन।